संसद में महुआ मोइत्रा ने सीजीआई चंद्रचूड़ पर क्या कहा? महुआ मोइत्रा ने जजों को कटघरे में क्यों किया खड़ा? राजनीतिक केसेज और जजों पर ये क्या बोल गई महुआ? पिछले दो चार सालों में राजनीतिक केसेज की आप भरमार देख रहे होंगे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, पहले भी वो सरकार के कामों में कमी को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेता आ रहा है, लेकिन आजकल राजनीतिक केसेस की संख्या देश के तमाम कोर्ट्स में कुछ ज्यादा ही बढ़ती दिख रही है। अब जहां न्याय की बात चल रही हो, सीजीआई चंद्रचूड़ की चर्चा तो लाजमी है। संसद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी स्पीच में सीजीआई के कोलकाता दौरे की चर्चा की, न्याय से जुड़ी बातें कही, लेकिन उन्होंने राजनीतिक मामलों को लेकर जजों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महुआ मोइत्रा ने साफ तौर पर कहा कि कुछ जज राजनीतिक केसेज लेने में डरते हैं और सरकार को बचाने का काम करते हैं। महुआ मोइत्रा ने ऐसा क्यों कहा, चलिए उनकी ही जुबानी सुनते हैं ताकि किसी भी तरह का भ्रम पैदा ना हो। I will also touch upon another pillar in our democracy, the judiciary. 2 days ago, the Honorable Chief Justice of India, while on a visit to Calcutta, remarked that judges were not deities. They are here to dispense justice with compassion. Just as one can't be partly pregnant, you are either are or you're not, justice and democracy too must be absolute. They cannot partly be in effect. The retirement age for High Court justices is 62, and the retirement age for Supreme Court judges is 65. Now, this has unfortunately contributed to High Court judges kowtowing to the Supreme Court collegium and to the government for a last-minute elevation to be able to serve for 3 more years. And then qualify for further sinecures, such as the head of the Lokpal, the head of the National Human Rights Commission, chairman of various tribunals. It has come to such a state that opposition leaders framed in politically motivated cases are denied and bail and denied justice simply because judges are even scared to touch their case for fear of offending the government. Today I say, the poorest people in India who have perhaps the most to lose from offending the government in power, they have shown spine and risen to the occasion. Your lords and ladyships, heed thy inner voice, have a spine, rise to the occasion. महुआ मोइत्रा ने जजों को कटघरे में किस आधार पर खड़ा किया है उसका जवाब तो वही देंगी, लेकिन फिलहाल राजनीतिक केसेज के मामलों में जजों की भूमिका का जहां तक सवाल है, सीजीआई को दिल्ली के 150 वकीलों ने लेटर लिखे हैं, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालतों के वकील शामिल हैं। इस लेटर में दिल्ली हाई कोर्ट के जज पर सवाल खड़े किए गए हैं। इस लेटर में साफ तौर पर यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर केसेज में उलझाया जा रहा है। ये लेटर वकीलों ने इसलिए लिखा था जब दिल्ली के राज रेवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, उसके बाद जब ईडी ने उस जमानत को चैलेंज किया था तब दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने उस पर स्टे लगा दिया। ऐसे में महुआ मोइत्रा और 150 वकीलों के उस लेटर के तालमेल को देखें तो जज की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं या नहीं, आप ही तय कीजिए। जिससे ये भी साबित हो जाएगा कि महुआ मोइत्रा की बातों में दम भी है या फिर वो केवल संसद में हंगामा मचाने की मकसद से जजों पर सवाल करती दिखी। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।